हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेकियस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी F42 5G में आप डाटा यूजेस को कैसे शो कर सकते हैं नोटिफिकेशन ड्रॉअर में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है नेट स्पीड इंडिकेटर, और आपको इस वाली ऐप को इंस्टॉल कर लेना। आप देख सकते हैं नेट स्पीड इंडिकेटर इंटरनेट स्पीड मीटर, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको सबसे पहले यहाँ से इनेबल इंडिकेटर को यहाँ से ऑन कर लेना है। इससे आपके फ़ोन में नेट स्पीड शो होनी शुरू हो जाएगी, और यहीं से आप डाटा यूजेस भी शो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं डेली डाटा यूजेस। आपको सिंपली यहां से इसको ऑन कर लेना है, जैसे कि मैंने पहले से ही किया हुआ है, और यहीं से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ऐसे आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है, और यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगी डाटा यूजेस यूनिट्स। आपको यहां पे क्लिक करके सेकंड वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपके फ़ोन में डाटा यूजेस शो होनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको शटर डाउन करके दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डाटा यूजेस जो है शो हो रही है। ऐसे आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं।